Good morning, students. Today we are going to discuss lesson number 8 in English grammar. And the name of the lesson is Naming Words 1. You know what is naming words? Yeah, आपको पता है? Naming words को हम noun भी कहते हैं. Okay? And the definition of noun is, a noun is a name of a person, place, things and animals. ठीक है? नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन भी कहते हैं और उसका डेफिनेशन ये है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल्स. हम चीजों उनके नाम से ही जानते हैं, इसीलिए उन्हें नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. ठीक है, हर नाउन का, नाउन में प्लेस, एनिमल्स, ओके, पर्सन, ठीक है, और थिंग्स सभी आते हैं और इन सभी के अपने अपने नाम होते हैं. हम जिन भी चीजों को देखते हैं, पहचानते हैं, हम उनको उनके नाम से ही जानते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नेमिंग वर्ड्स. और ये सारे जो नेमिंग वर्ड्स हैं वो नाउन होते हैं. ओके, जैसे अभी ये क्या है मेरे हाथ में, ये है, ये इसका भी अपना एक नाम है, इसे हम बुक के नाम से जानते हैं. ठीक है ना, ये सामने आपके ब्लैक बोर्ड है, इसका भी एक नाम है, ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं. सो सारी चीजों का अपना अपना नाम होता है और उनके नाम से ही हम चीजों को जानते हैं. हाँ, इनकी कैटेगरी अलग होती है, पर्सन प्लेस थिंग. हम लोगों को उनके जो पर्सन होते हैं, लोग होते हैं, उनको उनके नाम से जानते हैं. प्लेसेस, जहां हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घूमते हैं, उस जगह को हम उनके नाम से ही जानते हैं. चीजें जो होती हैं हमारे सामने, या आप किस चीज को अपने हाथ में लिए रहते हैं या पहचानना होता है चीजें, ठीक है, उनको भी उनके नाम से ही जानते हैं. और एनिमल्स जो होते हैं उनको भी उनके नाम से ही जानते हैं. सो दिस ऑल विल कम इन नाउन, एंड नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड्स. ओके ना, सो यू कैन सी हियर one image, one picture is given here. See, A, pick out the naming words from the sentence and write them in your exercise book. आपको यहाँ से, आपको इस दिए हुए सेंटेंस में से नेमिंग वर्ड्स को फाइंड आउट करना. नेमिंग वर्ड्स क्या बताया अभी, कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति मीन्स पर्सन, वस्तु मीन्स थिंग्स, जानवर मीन्स एनिमल, ठीक है ना, और प्लेस, स्थान के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जिसे हम नाउन भी कहते हैं. सो वी हैव टू फाइंड आउट द नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस गिवन सेंटेंसेस. ओके, सो द सी द फर्स्ट वन इज हियर, दिस इज ए पॉन्ड. फर्स्ट वन इज, दिस इज ए पॉन्ड. सेकंड, लुक एट द फिश इन इट. ओके, यू कैन सी हियर, इट इज गिवन हियर, दिस इज अ पॉन्ड एंड लुक एट द फिश इन इट. थर्ड वन, अ फ्रॉग इज सिटिंग ऑन अ लीफ. A frog is sitting on a leaf. Yeah, a frog is sitting on a leaf. And here, the boy has a fishing rod. This boy. The boy has a fishing rod. And the girl has a basket. And this girl has a basket. So, इस picture में जो कुछ भी है वो यहाँ sentence में लिखा हुआ है. So, read it once again. This is a pond. Look at the fish in it. A frog is sitting on a leaf. The boy has a fishing rod. The girl has a basket. Okay? So, इस सेंटेंस को अब जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको उतना ही क्लियर होगा कि नेमिंग वर्ड्स इसमें कहाँ है, किस जगह पे है. एक बार फिर से ट्राई करते हैं. This is a pond. Look at the fish in it. A frog is sitting on a leaf. The boy has a fishing rod. The girl has a basket. Very good. हमने किया. अब हमें इसमें से दिए हुए सेंटेंस में से हमें नेमिंग वर्ड्स लाइक नाउन, नेम, नाउन इज अ प्लेस ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स एंड एनिमल. सो हमें नेमिंग वर्ड्स को छाटना है. ठीक है, पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल के जो भी नाम होंगे हमें इसमें से छाटने हैं. ओके, दिस इज अ पॉन्ड. फर्स्ट वन क्या है, दिस इज अ पॉन्ड. सो पहले वाले में से, पहले सेंटेंस में से नेमिंग वर्ड्स क्या है, दिस इज अ पॉन्ड. पॉन्ड इज अ नेमिंग वर्ड. ओके, सो दिस इज अ पॉन्ड. सो इसमें से नेमिंग वर्ड क्या है, ये पॉन्ड. ओके ना, सो अंडरलाइन दिस. सेकेंड वन है,
लुक एट द फिश इन इट, ठीक है, लुक एट द फिश इन इट। इसमें से नेमिंग वर्ड के सेंटेंस में नेमिंग वर्ड क्या है? वेरी गुड, फिश। ठीक है, हमें बेसिकली छांटना क्या है? हमें छांटना है नेम ऑफ द पर्सन, देन प्लेस, देन थिंग्स एंड एनिमल्स। ओके, इन चीजों को हमें उन दिए हुए सेंटेंसेस में से छांटना है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। ओके, सो फिश, यह अ फ्रॉग इज सिटिंग ऑन अ लीफ। ठीक है, अ फ्रॉग इज सिटिंग ऑन अ लीफ। फ्रॉग क्या है? एनिमल है, एनिमल है ना, तो ये भी एक नेमिंग वर्ड है। ओके, देन सिटिंग ऑन अ लीफ, लीफ क्या है? लीफ इज अ, सो लीफ इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड। ओके ना, देन द बॉय हैज अ फिशिंग रॉड। बॉय क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन ना, बॉय भी नेमिंग वर्ड है एंड फिशिंग रॉड इज अ थिंग। देन द गर्ल हैज अ बास्केट, वेरी गुड। गर्ल क्या है? नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन एंड बास्केट इज अ नेम ऑफ अ थिंग। सो हियर वी हैव डन, पॉन्ड इज अ नेमिंग वर्ड, फिश, फ्रॉग, लीफ, बॉय, फिशिंग रॉड, गर्ल एंड बास्केट। ओके ना, तो हमने पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स की नेम को यहाँ फाइंड आउट किया है, क्योंकि नेमिंग वर्ड्स वही है। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। ठीक है, जो कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स के जो नाम होते हैं वो नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड्स होते हैं। हम चीजों को उनके नाम से ही पहचानते हैं, इसीलिए नाउन को नेमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। नाउ सी द बी वन, व्हाट डू यू थिंक द बॉय एंड गर्ल विल डू। ठीक है, अब ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो गर्ल और बॉय यहाँ पे फिशिंग रॉड लेके पॉन्ड के पास बैठे हैं वो क्या करेंगे? सो यू हैव टू राइट दिस, दे विल सिट बाय द, कहाँ बैठेंगे वो? बाय द पॉन्ड। ओके, दे विल सिट बाय द पॉन्ड एंड द बॉय विल कैच फिश। ये लड़का जो फिशिंग रॉड लिया, द बॉय हुज टेकन अ फिशिंग रॉड, वो क्या करेगा? वो क्या पकड़ेगा? फिश, कैच फिश पकड़ना होता है ना, क्या पकड़ेगा? फिश। सो राइट फिश, विथ हिज, किसके साथ? फिशिंग रॉड। यहां पे ये पूरा आ नहीं पाएगा, फिशिंग रॉड। ओके ना, आई एम जस्ट राइटिंग हियर अपसाइड, फिशिंग रॉड। दे विल पुट द फिश, और जब वो फिश पकड़ लेंगे तो सारी फिश को कहाँ डालेंगे वो? दे विल पुट द फिश इन द बास्केट, और वो बास्केट किसके पास है? गर्ल के पास, शी हैज अ बास्केट ना, सी इन दिस पिक्चर। सो they will sit by the pond and the boy will catch fish with his fishing rod. They will put the fish in the basket. ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐसे किया, and you will just make a copy and write this naming words. A noun is a name of a person, place, things or animals. ओके ना, सो हियर वी हैव डन, एंड आई एम गोइंग टू, आई विल टेक योर क्लास टेस्ट एंड इन द नेक्स्ट वीक आई विल टेल यू, मीन्स नेक्स्ट वीक में आपका क्लास टेस्ट होगा, और उसको लेने के लिए हमें आपको बता दें किस डेट पे आपका क्लास टेस्ट लिया जाएगा। यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम लेसन 1, 2 एंड 3। ओके ना, यू हैव टू प्रिपेयर।
So I will take your test, and once in a week I will take your live online classes on Google Meet as we have taken before. जैसे हम पहले लेते थे, तो I will see all of your work that you are completing or not. Okay, because class one student you are not sending me the attachment of your work, so that's for that we will take the live classes and to see that your work is completed or not. So prepare that your lesson 1, 2, and 3 for the class test, and next week I will tell you which date. Monday I will inform that which date I will take your class test. Okay.